माशाल्लाह बहुत ही खूब। हाँ मुकम्मल हो गए और मालूम नहीं 100 से ज्यादा हमने बच्चों को देखा। आज बहुत खुशी होती है कि हमारा ये जो एक ब्लाइंड बच्चा है, अच्छा एक बात आपको बता दो, ये किसी को ब्लाइंड कहना या किसी को डेफ कहना या किसी को डम कहना, किसी को हाथ का माजूर कहना, पाँव का माजूर कहना, ये सही माने में सिर्फ समझाने के वास्ते होता है, बाकी हमारी नजर में ये हमसे बहुत ऊंचे है। बल्कि आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून पास किया है कि इनको इस तरीके से ना कहा जाए, इनको दिव्यांग कहा जाए ताकि इनके दिल पर चोट ना लगे। मेरे दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट आज है। भाई हमारे बहुत ही बड़े सुनारा साहब आए हैं, मैं चाहता हूं कि इनका बहुत जोरदार स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल लेकर यहां पर आए हैं। और अचानक हमारे नबी की दूसरी बीवी एंटर हुई जिनका नाम है हजरत सफिया, उनका नाम है हजरत सफिया। अच्छा हजरत सफिया वो हाइट में छोटी, हजरत सफिया हाइट में छोटी, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करके कहा कि वो आई है, यानी सफिया आई है, और यूं हाथ से इशारा किया कि उनकी हाइट बहुत छोटी है। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ इस्लाम के डिसिप्लिन पर, इस्लाम के रिस्पेक्ट पर और इस्लाम के अखलाक पर और इस्लाम के कैरेक्टर पर, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर नाराज हुए और कहा लव मुसिचत कड़वा हो जाए। इसलिए हम जब ये डिसेबल बच्चों को देखते हैं ना, तो सही में मुझे बड़ा डर लगता है ये कहते हुए कि ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, हाथ से माजूर है, पांव से माजूर है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि पूरे रिस्पेक्ट के साथ हमको दिव्यांग कहना चाहिए। लेकिन आज इस पूरे मजमे में मैं एक बात कहूंगा, हमारे बहुत से जवान कोई आंख से माजूर नहीं है, दे आर नॉट ब्लाइंड, दे आर नॉट डेफ एंड डम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमारे हजारों जवानों को देखा होगा कि सिवाय मोबाइल में गंदगी करने के, सिवाय इसके के बीड़ी होगी हाथ में, सिगरेट होगी, तंबाकू होगा, गुटखा होगा, और मेरे दोस्तों एमडी होगा, और मालूम नहीं माँ भी उनसे नाराज होगी, अब्बा भी उनसे नाराज होगा। हमारा समाज और सोसाइटी ऐसी गंदगियों को देखता है। आज हमें ये ब्लाइंड बच्चे और डेफ और डम बच्चों को देखकर सोचना चाहिए कि ये वो बच्चे हैं। अगर आप इनसे सवाल करना शुरू करें, वो तो हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला ने कहा इतना टाइम नहीं है, वरना आप कोई दुनियावी जनरल नॉलेज का सवाल करो, इंशाअल्लाह ये बच्चे खुलकर आपको जवाब देंगे। अगर आप दीन का कोई सवाल करो ये जवाब देंगे। और ये बच्चे बताना चाहते हैं कि हमारे पास आंखें नहीं है, हमारे पास कान नहीं है, हमारे पास जबान नहीं है। इसमें कई बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपनी माँ को देखा नहीं है, अपने अब्बा को देखा नहीं है, आज तक माँ को माँ कहकर पुकारा नहीं है, अब्बा को अब्बा कहकर पुकारा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज भर भर के इनमें है। हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने हमको सब दिया है, हम भी आज से इरादा करें। और खास करके मैं मेरी बेटियों को कहूंगा, मेरे बच्चों को कहूंगा, आप जरूर टेक्नोलॉजिकल मैदान में जितना हो आप आगे बढ़े, इल्म में आगे बढ़े, नॉलेज में आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े। अल्लाह ने कुरान में, शायद अगर आपने देखा हो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया एक देखने वाला और एक न देखने वाला, पूरा मजमा बोलेगा ये दोनों बराबर, बोलो ये दोनों बराबर नहीं, अच्छा अंधेरा हो और लाइट हो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, धूप और साया ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, जिंदा और मुर्दा ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमाया हल यस्तवील लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, अल्लाह ने फरमाया जब ये सब बराबर नहीं हो सकते तो कयामत के दिन एक जाहिल और एक पढ़ा लिखा मेरे नजदीक वो दोनों बराबर नहीं होंगे। जो पढ़ा लिखा होगा, चाहे दीन पढ़ा होगा, दुनिया पढ़ा होगा, उसका
इसका मामला आसमानों पर कुछ और ही होगा। इसलिए मैं बहुत मुबारकबादी देता हूं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। आज का ये फंक्शन में देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि हम 30 ईयर से बहुत बयान, बहुत स्पीचेस, बहुत लेक्चर्स और बहुत तकरीरें, और मालूम है कहां कहां हम लोग, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, मगर जब इस तरीके का हमारे मेमन हॉल में ये जो एजुकेशन के ऊपर जो अवार्ड मिल रहा है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पैगाम है। और हम जहां तक हो सके, मेरे प्यारों, मैं हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला, इनका बहुत बहुत बहुत, हालांकि मेरी और इनकी दोस्ती को आज 30 इयर्स के ऊपर हो गए, लेकिन जो काम इनको मैंने करता हुआ देखा, अनबिलीवेबल, अमेजिंग काम जिसको कहते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए सोचो कि मुझे कुछ दिन पहले पता चला, इन्होंने मेरी मुलाकात की और मुझे कहा कि मैं उमरा करने जा रहा हूँ, यानी मक्का मदीना जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर टर्की जा रहा हूँ, इस्तांबुल जा रहा हूँ, और इस्तांबुल के बाद फिर यूके, इंग्लैंड चले गए। अच्छा, इंग्लैंड से जब ये इंडिया आए, मैं ये सोच रहा था ये अल्लाह का बंदा कितना थका थका आया होगा, लेकिन थोड़ी देर में मुझे पता चला कि इन्होंने अपने घर में बैग रखा, अपनी बीवी को घर में रखा, और उसके बाद में सीधा, आपको मालूम है हमारे यहाँ बारिश के टाइम पर मीठी खाड़ी का इलाका हो, लिम्बायत का इलाका हो, सुभाष नगर का इलाका हो, आजाद नगर का इलाका हो, जहां पानी भर गया, और रात रात भर माओ ने अपने बच्चों को खिलाया नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने दूध नहीं पिया, एक आध बच्चा पानी में बह गया, ये अल्लाह का बंदा बराबर 48 आवर्स, इतना लंबा सफर करने के बाद 48 आवर्स उन लोगों की मदद में लगा रहा। मैं इनको अक्सर कहता हूँ हम साथ में चले थे जी, जरूर इनका खूब स्वागत करें। मैंने हाजी जुनेद ओरा वाला को बेटा शाहिद कहा, हम साथ में चले थे, ये सोशल वर्क में हम साथ में चले थे, लेकिन मैं जमीन पे रह गया, ये आसमान के तारों को छू गया, ये कहां से कहां पहुंच गया। इन्होंने मुझे फोन किया कि कारी साहब आपको भी चलना, मैंने कहा भाई मैं नहीं चलूंगा, मैं यहाँ बैठे बैठे प्रार्थना करूंगा, तुम आगे बढ़ते जाओ, और शायद मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ सुना ना सब इतनी अच्छी है, ये बुढ़ापे में वापस जवान हो रहा है, क्योंकि मैंने तो इसकी जवानी भी देखी है, मैंने इसकी जवानी देखी है, बिल्कुल एक लाइक का हीरो ये रहता था, इसकी बॉडी भी सिंगल बॉडी थी, और उसके बाद में ये टी शर्ट और जीन्स, और वो जमाने में पेजर होता था, फिर शुरू शुरू में मोबाइल आया, इसकी हेयर स्टाइल, इसका फेस सब मैंने देखा है, लेकिन उस वक्त जवानी में मैं देखता था ये बहुत कम बोलता था, मैं बोलता था ये सुनता था, अब बुढ़ापे में ये बोलता है मैं सुनता हूँ, ये रिवर जवान हो गया है। तो सब लोग हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला के लिए दुआ करें, अल्लाह इसको और भी सोशल वर्क में आगे बढ़ाए। अच्छा, और आपको एक बात बताऊं, चाहे पानी का मामला आया सूरत में, या बच्चों को जब एजुकेशन के लिए नोटबुक्स का मामला था, उस वक्त मैं भी इनके साथ में था। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ये इनका जो ट्रस्ट है, लेट यूनुस लतीफ ओरा वाला, हमसे कोई एक रुपये का चार्ज नहीं, हमसे कोई एक रुपया मांगते नहीं है, जान भी इनकी, माल भी इनका, सम्मान हमारा, इससे बढ़कर क्या दौलत होगी। एक बार फिर इनका स्वागत करें हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला का। और जितने लोग यहाँ पर डिग्री पास हुए हैं, या दुनिया की लाइन से, दीन की लाइन से, मैं बहुत दिलों जान से मुबारकबादी दूंगा, और ये कहूंगा कि इस मामले में और भी आगे बढ़ते जाए। मेरे दोस्तों, एक जुमला समझना, एजुकेशन नॉलेज कब से स्टार्ट होता है और कब तक हमको पढ़ना है। आज मैं भी स्टूडेंट हूं, अगर मैं अपने आप को प्रोफेसर या कुछ बड़ा समझूं तो मैं इल्म हासिल करने से रुक जाऊंगा। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब किसी ने पूछा था कि हमको ये बताओ कि नॉलेज और एजुकेशन स्टार्ट पीरियड कब है और उसका एंड पीरियड कब है, तो हजरत अली ने इतने प्यार से फरमाया, मिनल महदी इलल लहदी, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, ये शुरू होता है माँ की गोद से, खत्म होता है कब्र की गोद में जाकर। इसलिए अब देखो, आज हमारे हिंदुस्तान में जहां जहां पॉलिटिकल मामला हो या कहीं और मामला हो जिसमें फसाद हो जाता है, किसी को धक्का दिया जाता है, किसी को गाली दी जाती है, किसी को मारा जाता है, अल्लाह की कसम मेरे प्यारों, किसी धर्म ने लड़ाई झगड़े की इजाजत नहीं, सब साथ में बोलेंगे, किसी मजहब ने लड़ाई झगड़े की इजाजत किसी ने ये परमिशन दी, और ये कौन करेगा जो जाहिल होगा, जिसकी समझ कम होगी, जो कभी डॉक्टरी न पढ़ा होगा, जिसने कभी इंजीनियरिंग नहीं देखा होगा, कभी जिसने डिप्लोमा नहीं देखा होगा, कभी हाई ग्रेड से वो 10th 11th 12th में पास नहीं हुआ होगा, वो ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा, उसने दीन की तालीम हासिल नहीं की होगी। इसलिए याद रखो, जहालत रहेगी तो फसाद रहेगा, और अगर इल्म रहेगा तो आबादी ही आबादी रहेगी। इसीलिए मुझे एक बात बहुत याद आती है, ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना,
अभी 15 अगस्त भी आ रही है, वो अलग बात है कि मैंने तो सोचा था 15 अगस्त को मैं और हाजी जुनेद ओरा वाला ने कि हम सूरत में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन करें क्या कि हमको उमरा में जाने का हो गया और 14 अगस्त को मैं और हाजी जुनेद यहाँ से जा रहे हैं। आप दुआ करें अल्लाह हमारा सफर आसान करे। लेकिन जब हिंदुस्तान को हम देखते हैं ना, क्योंकि हम इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, अफ्रीका गए, जाम्बिया गए, जिम्बाब्वे गए, मलावी गए, और मालूम है जुनेद भाई कई सफर में मेरे साथ साथ में रहे, हमने सब जगह देखा, लेकिन आखिर में जब हम हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर उतरते हैं ना, बॉम्बे के एयरपोर्ट पर आते हैं, तो हमारा दिल अंदर से कहता है वो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट, वो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। बल्कि मैं कहता हूं हमारा हिंदुस्तान का कोई मुझे पूछे ना इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, या क्या इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, शाहिद बेटा वैसे तुम शेर शायरी बहुत करते हो, तुमने आज मेरे बारे में जो शेर पढ़ा ना, मैं मेरी बीवी को भी सुनाऊंगा जाकर, उसको भी तो मालूम पड़े ना हमारी वैल्यू क्या है। ये मालूम नहीं, यहाँ औरतें बैठी हैं, सुना रहा साहब आप तो बहुत बड़े हैं और आप बहुत हिम्मत वाले, आप बहुत हौसला वाले, आपको जब मैं रास्ते पर चलता हुआ दिखता हूँ तो ऐसा लगता है कोई हॉर्स है, कोई घोड़ा है जो तेज रव बहता है। बस हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप अल्लाह आपसे और भी बहुत ज्यादा काम लेवे। लेकिन मैं हमारे हिंदुस्तान के बारे में कहता हूँ, यहाँ चेहरे नहीं देखे जाते, बोलो यहाँ चेहरे नहीं पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं पढ़े जाते हैं, यहाँ इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं पढ़े जाते हैं, यहाँ दिल पढ़े जाते हैं। ओ दोस्तों, महान है ये हिंदुस्तान जहाँ कुरान और गीता दोनों पढ़े जाते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा हिंदुस्तान है। इसलिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कुरान करीम में भी लिखा हुआ है आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में गाली गलौज नहीं, बैक बाइटिंग नहीं, किसी को ब्लैकमेल करना नहीं, शराब दारू एमडी ड्रग्स ये सब नहीं। कुरान करीम में साफ लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अनसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने साफ कह दिया ये सब हराम है, सब हराम है। लेकिन आज आपको मैं बताऊं, जो हमारे हिंदू भाइयों की मुकद्दस किताब है गीता, उस गीता में संस्कृति जबान में अगर एक जुमला आपको याद हो जाए, इतना प्यारा जुमला है, क्या लिखा हुआ है, आवाशवियम एव भोक्तव्यम कुंत करम शुभ अशुभम। बस ये जुमला अगर हमको याद हो जाए ना, बाकी संस्कृत जबान इज वेरी हार्ड, जैसे अरबी जबान भी बहुत सो को नहीं आती है, संस्कृत जबान बहुत सो को नहीं आती है। बड़ा अफसोस होता है कि हमारी मजहबी किताबें संस्कृत में है और इसी तरह हमारा कुरान अरबी में है, लेकिन ये जुमला याद रखो, आवाशवियम एव भोक्तव्यम कुंत करम शुभ अशुभम, जिसका मतलब है आप किसी को तकलीफ मत दो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को घसन ना पहुंचाओ, लेकिन आखिर में है जैसी करनी वैसी भरनी। आज किसी की दुकान में आग लगाएंगे, कल कोई हमारी दुकान में आग लगाएगा, आज किसी के बच्चे के साथ हम कोई गलत काम करेंगे, किसी बेटी के साथ कोई गलत काम करेंगे, कल हमारे साथ यही मामला होगा। बस मेरा यही पैगाम है, हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, इस वक्त हॉल में भी बहुत अच्छी जगह पर है, हमारा सूरत भी प्यारा, हमारा गुजरात भी प्यारा, हमारा हिंदुस्तान भी प्यारा, और आज का हॉल भी प्यारा, और मुझे मालूम है बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, सबके नाम नहीं जानता, लेकिन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक मरतबा हाजी जुनेद ओरा वाला का, हमारे हिदायत भाई का, और हमारे हिदायत भाई के अब्बा का, हमारे बेटा रोहन का, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और बहुत खुशी है, बहुत दूर वापसी से मेरी बेटी नेमत भी यहाँ पर आई हुई है, जो माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्किटेक्ट और एजुकेटेड होकर आई है, और भी जितनी हमारी माए बहने बेटियां हैं सबको अल्लाह ताला आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुलाकात लेते हैं ऐसे बच्चों की, जितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसके मुकाबले तो मुझे ये तालियां तो बहुत कम लग रही है।